मैं इससे उत्तराखंड के काफ़ी ट्रिप कर चुका हूँ। जयपुर से उत्तराखंड मेरे को एक साइड करीबन 700-800 किलोमीटर पड़ जाता है, बट कहीं भी थकान नहीं होती हमको। ठीक है, मैं आप अगर मुझसे पूछे कि मैं इसको कितने घंटे ड्राइव कर सकता हूँ, तो मैं लगातार इसको 15 से 20 घंटे ड्राइव कर सकता हूँ, मुझे थकान नहीं होगी। सिटी में इसका एवरेज आ रहा है 16-17, ये सिटी का शो कर रहा है, जिसमें मैं रफ चलाता हूँ 16.4 है। अगर मैं थोड़ा इसको ठीक चलाऊं ट्रिप मीटर जीरो करके, तो ये 18-19 भी आ जाएगा। हाईवे पे इसकी एवरेज है 24-25 निकाल देती है। स्टेबल गाड़ी है, 2200 किलो इसका वेट है, विच इज़ हैवियर देन जो भी आपकी SUVs और मिनी SUVs आ रही है मार्केट में, उनसे हैवी गाड़ी है ये, क्योंकि उनका वजन आपका 1400-1500-1300 किलो के आसपास रहता है। तो स्टेबिलिटी में तो कहीं इशू नहीं है, साथ में एवरेज भी है। इंटीरियर में स्टेयरिंग कवर है, सीट कवर्स है, ठीक है, और ये टच स्क्रीन मैंने लगवाया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं बोलेरो नियो के बारे में। जी हाँ, महिंद्रा की जो बोलेरो नियो है, न्यू, उसी के बारे में बात करेंगे। ओनर हमारे साथ में है, जो कि पिछले 4 महीने से इसको यूज़ कर रहे हैं। कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, क्या इसमें खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें, उन्होंने सर ने एसेसरीज फिट करवाई है, उनकी क्या कॉस्ट आई है, सब तरह का एक्सपीरियंस हम लोग आपके साथ में शेयर करने वाले। एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू होने वाला है इसका। तो श्वेतांग सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले तो बात करते हैं अपने इसके बारे में कि कब लिया आपने गाड़ी है। ये मैंने नाइन सितंबर को उठाई थी गाड़ी, इसी साल में। ठीक है, 4 महीने हो गए मैंने। 4 महीने हो गए पूरे आपको इसको लिए हुए। ठीक है, तो 4 महीने से आप इसको रन कर रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस रखती है आपको इसकी? परफॉर्मेंस कंपेरेबल नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है? परफॉर्मेंस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसको, आपने रन किया हुआ है, तो आप इसको मेनली सिटी में ही रन करते हैं या हाईवे वगैरह पे भी रन करते हैं इसको? मेरा सिटी में भी काफ़ी रन होता है और हाईवे पे भी होता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, 9 सितंबर को मैंने गाड़ी ली थी, तो अभी तक ये गाड़ी 8000 किलोमीटर चल चुकी है 4 महीने में। तो मुझे लगता है उस हिसाब से 1 साल के अंदर ये 25,000-20,000 क्रॉस कर जाएगी, चल जाएगी आराम से। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले तो इसके नियो के बारे में, तो इसकी कुछ वेटिंग पीरियड भी जो आपने बुक करवाई थी, तो उसमें कुछ वेटिंग पीरियड भी है इसका? नहीं, इतना वेटिंग नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपको? ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, कुछ बुकिंग अमाउंट था इसका? बुकिंग अमाउंट तो मैंने 11,000 दिया था शुरू में। ठीक है, बाकी तो गाड़ी मेरे को ब्लैक चाहिए थी और ब्लैक उनके पास में N8 में थी। ओके, तो मेरे को मिल गई आराम से। हाँ, क्योंकि मेनली महिंद्रा की इतनी भी गाड़ियाँ भी आ रही है, अगर XUV की बात करें या और भी किसी की बात करोगे, स्कॉर्पियो वगैरह, तो उनकी वेटिंग काफ़ी लंबी है, 1-1.5 साल वेटिंग बोल रहे हैं वो लोग मेनली। हाँ जी, तो ऐसा कुछ अगर तो नहीं था इसमें प्रॉब्लम? देखिए, इस गाड़ी में वेटिंग का कारण ये भी है, मतलब वेटिंग कम इसलिए है क्योंकि एक तो ये गाड़ी इतनी ज़्यादा बाय नहीं करता कस्टमर। XUV 700 हो गई, थार हो गई, उस पर कस्टमर ज़्यादा जाता है। ये गाड़ी तो कभी कभी डिस्प्ले में भी नहीं होती। ओके, तो दिस आई कैन से दिस इज़ वन ऑफ दी अंडर रेटेड व्हीकल फ्रॉम महिंद्रा। या इसका जो भी इसकी खूबियाँ हैं वो उन गाड़ियों के पीछे छुपी हुई है, वो पहले बिकती है तो यहाँ तक कोई आता नहीं। अरे, आप इसको सिटी में भी रन करते हैं और आपका हाईवे पर रनिंग होगा, सिटी की बात करें तो क्या एवरेज देती होगी आपको ये? सिटी में इसका एवरेज आ रहा है 16-17 दे देती है आपको आराम से, बम्पर टू बम्पर जब रन करते हैं हम लोग तो। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ हाईवे की, तो हाईवे पे क्या परफॉर्मेंस रहती होगी और रनिंग क्या रहती होगी इसकी एवरेज? हाईवे पे इसकी एवरेज है 24-25 निकाल देती है। बाकी अगर आपको गाड़ी थोड़ी खींचनी है, अब 100 भी जाना है आपको स्पीड में, तो भी आराम से 21-22 निकलता है। निकाल देगी, तो 24-25 जो आपको निकाल रही है उसका एवरेज स्पीड क्या रखते होंगे आप करीब उसमें? उसमें 80-85 रहा, 80-85 के आसपास है, तो उसमें आई थिंक ठीक भी। अगर आपको नॉर्मल ड्राइव करनी है, फैमिली ड्राइव करनी है, क्योंकि 7 सीटर आई थिंक है ना, तो अगर आपको उतरन करना है तो आई थिंक 80 स्पीड ठीक होती है आपके लिए, सफिशियंट है। बाकी रोड पे भी डिपेंड कर जाता है, कैसी रोड आप दिल्ली जा रहे हैं, तो जयपुर दिल्ली का हाईवे इतना अच्छा नहीं है अभी इस वक्त। करेक्ट है, तो उस पर आपको एवरेज 21-22 मिलना। आप चित्तौड़गढ़ निकल गए अजमेर रोड पे, तो फिर तो शानदार हाईवे करेक्ट है। वैसे एक्सप्रेस वे पे किसी भी निकल गए तो फिर और अच्छी स्पीड निकलेगी उस पर। हाँ, 25+ निकाल देंगे आप, अगर स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती तो भी चल जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं, आपने जब रन परचेज किया, 4-5 महीने पहले परचेज किया आपने ये, तो इसी को ही परचेस करना कोई स्पेसिफिक रीज़न आपके पास, क्योंकि इसी सेगमेंट में और भी गाड़ियाँ आती हैं, तो यही स्पेसिफिक रीज़न कुछ इसको लेने का? देखिए, हाँ, स्पेसिफिक रीज़न कह सकते हैं। एक तो मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा चाहिए था, दूसरा मेरा जो मोटिव था वो डीजल गाड़ी लेने का था। ओके, पेट्रोल गाड़ी मेरे को नहीं चाहिए थी। ओके, क्योंकि माइलेज का बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है। करेक्ट है, ठीक है। और तीसरा रीज़न जो है 7 सीटर का था। आप इसको जब हाईवे पर रन करते हैं तो हाईवे परफॉर्मेंस है वो कैसी लगती है आपको इसकी? हाईवे परफॉर्मेंस अच्छी है, स्टेबल गाड़ी है, 2200 किलो इसका वेट है,
जो भी आपकी SUVs और मिनी SUVs आ रही है मार्केट में उनसे हैवी गाड़ी है ये, क्योंकि उनका वजन आपका 1400-1500-1300 किलो के आसपास रहता है। करेक्ट है, तो स्टेबिलिटी में तो कहीं इशू नहीं है, साथ में एवरेज भी है इसका, साथ में एवरेज भी है कि ये लैडर ऑन फ्रेम है इस वजह से इसका वजन ज्यादा है। ठीक है, तो उससे आपको सेफ्टी भी अच्छी मिल जाती है और सिक्योर वो भी है गाड़ी। हाँ, में इसका जो चेसी है वो स्कॉर्पियो 6th generation का है जो इन्होंने यूज करा हुआ, उस वजह से आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। मैंने कुछ इसमें मेजर चेंजेस नहीं करवाए हैं, हाँ एडिशंस जरूर कराए हैं, जैसे ये क्रोम लगवाया है मैंने ये वाले हैंडल पे। ठीक है, उसके बाद में रूफ रेल्स हैं ये वाले। ओके, ठीक है, ये अलग से लगवाए हैं। इसके अलावा ये अलॉय व्हील्स लगवाए हैं नीचे जो है। ओके, ये अलॉय व्हील्स आपने करवाए हैं? अलॉय व्हील लगवाए हैं, हाँ जी। ठीक है, उसके बाद पीछे आएंगे तो इसको स्मोकी करवाया है लाइट्स को पीछे। परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको इसकी? परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। 10 inches में है ये, तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो साइज़ होता है उसके हिसाब से बेस ट्यूब का जो वो गेज होता है वो मालूम पड़ता है। बाकी क्योंकि मैंने जब टच स्क्रीन बाहर से लगवाया था तो इसका जो साउंड था वो पहले से गिर गया था, तो उसको थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए मेरे को ये बेस ट्यूब लगवाना पड़ा। तो इसका साउंड वगैरह एक बार आप रन करेंगे तो हम थोड़ा साउंड देख लेते हैं बैक में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कर लेता हूँ। ये 4500 का तो बेस ट्यूब पड़ा है मुझे और इसके ऊपर 1500 फिटिंग के पड़े हैं। जो वायरिंग वगैरह यूज करते हैं ये लोग, तो जैसे वारंटी में होती है अपनी गाड़ी में ली इतनी भी, तो वायरिंग्स वगैरह कट करते हैं उसके लिए या फिर कनेक्टर? सर देखिए, नहीं, कनेक्टर्स यूज होते हैं, कपलर्स यूज होते हैं। ठीक है, और आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया है ये, आप किसी को नहीं भी बोलेंगे ना तो अंडरस्टूड है कि जो वायरिंग करते हैं ये लोग कपलर टू कपलर होती है, कभी कोई वारंटी का इशू ऐसा चाहता नहीं है। नहीं, और डीलर्स के लिए भी बड़ी कॉमन चीज होगी, उनको ये पता है कि हर गाड़ी में कुछ ना कुछ लगना ही लगना है बाहर से। ठीक है, जब आप बेस मॉडल दे रहे हैं या उसके जो मिड मॉडल्स है उसमें सब कुछ होता नहीं है तो बंदा बाहर से लगवाएगा, तो और वो शोरूम में भी वो यही करते हैं, वायरिंग सेम होती है, कोई बहुत बड़ा इशू। तो ये था इसका एक्सटीरियर पार्ट जिसमें चेंजेस कराया सर ने, अब बात करते हैं इंटीरियर को लेकर। तो सर इंटीरियर में क्या क्या रहा होगा आपके अकॉर्डिंग? इंटीरियर में स्टीयरिंग कवर है, सीट कवर्स है। ठीक है, और ये टच स्क्रीन मैंने लगवाया था। अच्छा, ये बाहर से फिटिंग करवाया आपने? ये बाहर। अच्छा, सीट कवर की बात करें तो सीट कवर का लुक्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपको, तो प्रीमियम लेदर है या ये PU लेदर में आता है वो है? ये PU लेदर आता है, लेदर तो नहीं आएगा, लेदर लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप जयपुर में हैं, मई जून जुलाई में वो हीट करेगा। हाँ, हीट करेगा बहुत ज़्यादा, स्मेल आएगी उसके अंदर, तो बेसिकली लेदर आते नहीं है। ठीक है, PU लेदर है, ये PU लेदर आता है। ठीक है, अल्टरनेट है जी। ठीक है, तो वो आपने मेन सीट कवर है, स्टीयरिंग कवर भी काफी अच्छा फिटिंग कर रखा है लग रहा है मुझे इसको देख के। लगता है OEM फिट बोलते हैं इसको, ये सिलाई होकर लगता है। नेक्स्ट आपने जो इसमें करवाया है वो है आपका इसका टच स्क्रीन पैनल जो लगवाया आपने इसमें, ये टच स्क्रीन लगवाया। ठीक है, ठीक है, तो पैनल एक बार आप स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इसका, और कौन सी कंपनी का लगवाया आपने इसमें ये? ये हाइपरसोनिक का है। ठीक है, इसमें कंप्लीट एंड्रॉइड ऑटो प्लस एप्पल आई दोनों कनेक्ट करते हैं इसमें? नहीं, ये एप्पल नहीं है, बिकॉज आई डोंट यूज एप्पल फोन्स। ओके, तो एंड्रॉइड ऑटो, मैंने एंड्रॉइड के हिसाब से लगाया था। हां ठीक है, आई थिंक जो रिक्वायरमेंट आई थिंक right. तो इसका टच स्क्रीन वगैरह सब परफेक्ट चलता है आपके? हां, परफेक्ट चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेनली वही है जी। कैमरा सर इसमें ऑलरेडी फिटिंग था या आपने करवाया फिर? नहीं, मैंने स्क्रीन के साथ ही फिट करवाया था। ठीक है, बैक कैमरा भी? ठीक है, तो क्लैरिटी तो इसकी, एक सेकंड, एंगल्स काफी अच्छे कवर्ड हैं इसके, आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इनमें। जी जी, उसमें आता है, मैंने एक दो कैमरे देखे तो उसमें बिल्कुल केवल स्ट्रेट कवर था, बैक में को देखेंगे केवल स्ट्रेट पार्ट कवर था, एंगल्स जो थे वो प्रॉपर नहीं थे। नहीं, इसमें एंगल आपको लेफ्ट राइट सब कुछ है। करेक्ट करेक्ट, और मतलब नाइट को भी अगर जहाँ पे लाइट नहीं है उसमें भी जो इसकी बैक लाइट है उससे बहुत अच्छा विजन इसमें आता है। तो इसके क्या चार्जर रहेंगे आपके बैक कैमरे के कुछ इसमें? बैक कैमरा इसके साथ में था कैमरा, 6600 का मैंने लगवाया था करोल बाग से। ओके जी, वहाँ से करवाया था आपने? हाँ। बाकी इसका तो फिटिंग हो गया, वो रेडी हो गया फिर? वो रेडी हो गया। तो हमने बात की थी गाड़ी के, आप सिटी में भी रन करते हैं उसको, हाईवे भी रन करते हैं, तो माइलेज देख रहे थे हम लोग आपको, तो ये सिटी का माइलेज शो कर रहा है आपको, राइट? ये सिटी का शो कर रहा है जिसमें मैं रफ चलाता हूँ, 16.4 है। अगर मैं थोड़ा इसको ठीक चलाऊं ट्रिप मीटर जीरो करके तो ये 18-19 भी आ जाएगा, बट ऑब्वियसली जॉब में है, कहीं जाना है, फटाफट आना है, तो फिर
स्पीड भी खींचनी पड़ती है, वो भी है। एवरेज तो काफी अच्छा, अगर एवरेज की बात करते हैं। देखिए एवरेज ऑब्वियसली आप 16, 17 का माइलेज निकाल रहे हैं, वो भी डीजल में, तो अभी पेट्रोल और डीजल एक लीटर के अंदर कम से कम 13 से 14 रुपए का फर्क है। करेक्ट, तो वो एक तो वो फर्क पड़ गया, प्लस पेट्रोल गाड़ी में एवरेज 10 से 12 की आती है, बाकी एवरेज का फर्क पड़ गया। और मैं मान लो अगर कभी हाईवे पर रन कर रहा हूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ, दूर जाना पड़ रहा है, तो रास्ते में तो पेट्रोल रेट ज्यादा है, डीजल की रेट ज्यादा है, मैं अगर बाहर निकल जाऊंगा तो और डिफरेंस आ जाएगा प्राइस में भी। प्राइस में और डिफरेंस आ जाएगा, बाकी आप एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप अगर साल में करीबन 25,000 किलोमीटर चलते हैं जैसे मैं चलता हूँ, उसको अगर आप 12 से डिवाइड कर दें या 10 से भी कर लें जो एवरेज है, तो उसके बाद में आप जो एवरेज निकाल के लाएंगे ना और जो डीजल में जो आने वाला है, टोटल के अंदर लाखों का डिफरेंस आ जाता है। तो 5-6 साल अगर मैं गाड़ी रख रहा हूँ तो 5-6 लाख का डिफरेंस आ जाएगा दोनों की कॉस्टिंग में, मेरी रनिंग कॉस्ट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो लोग इस चीज़ को सोचते नहीं है, अगर वो उनको लगता है कि ठीक है 10-12 की एवरेज है चला लेंगे, बट वो बहुत हेफ्टी हो जाता है। मतलब वो ये कि थोड़ा टाइम कुछ लगता है, थोड़ा टाइम गाड़ी भी चलती है, फिर आप उसको बहुत कम निकाल रहे होते हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज होती है, तो आपने लिए तो दूध थोड़ा खानी उसको, पैसा भी लगाया है, यूटिलाइज भी नहीं हो रही है गाड़ी, कोई मतलब नहीं होता उसका। प्राइस हमेशा गाड़ी ऐसी परचेस करो जिसको आप कभी भी सोचना ना पड़े आपको रन करने के लिए। एग्जैक्टली, जब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे जाना है तो मैं उसको लेके निकल जा रहा हूँ। एग्जैक्टली, वो डिपेंड करेगा कि आपका क्या एवरेज है, फिर या फिर आपका इतना हो कि ठीक है आपको सोचना ही नहीं एवरेज के लिए, सोचना डिफरेंट चीज है। अब बात करते हैं इसके एसी परफॉर्मेंस को लेके, ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो गर्मियों में हमारे यहाँ पे पड़ता है टेम्परेचर 40-45 ज़्यादा है, तो उस टाइम पे आपको एसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आती है, तो एसी परफॉर्मेंस कैसी लगती है आपको इसकी? देखिए इसमें आप देख रहे होंगे नीचे, अगर आप इधर कैमरे को करेंगे तो एक एसी इको है और एसी है, ये केवल इसी गाड़ी में इस तरीके का ऑप्शन आता है। ओके, मैं इसको हमेशा एसी इको पर रखता हूँ, इसमें मेरा मई जून जुलाई भी निकल जाता है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब कूल कर देता है ये। ओके, और बाकी अगर आप इकोनॉमी नहीं चाहते, थोड़ा सा एवरेज पे फर्क पड़ेगा, तो आप फुल एसी पे जा सकते हैं, बट इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है बेसिकली। ओके, क्योंकि बलेरो शुरू से इस चीज़ अपने एसी के लिए तो फेमस रही है। ओके जी, तो एसी वाला काफ़ी अच्छा लगता है आपको इसके अकॉर्डिंग? ठीक है, अच्छा इसमें बैक में भी एसी वेंट्स हैं या फिर केवल फ्रंट में, उसी से आपको मैनेज करना? नहीं, इसमें जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, पहले जब मैंने गाड़ी ली थी मुझे भी लगा था कि इसमें पीछे की तरफ वेंट्स नहीं है, बट दिस इज अ 4 मीटर सेगमेंट कार। 4 मीटर सेगमेंट कार में जिस हिसाब से इसका कंप्रेशर है और इसके ब्लोअर का थ्रो है और जो इसका जिस हिसाब से वो चिल करता है, तो उसमें पीछे तक 7 सीट्स तक वी हैव टेस्टेड और इसने बहुत अच्छा प्रूव करा है, हमें पीछे तक मई जून में जरूरत नहीं पड़ी है। नहीं पड़ी है बिल्कुल, बल्कि इनफैक्ट जो पीछे बैठे हैं उनको एक टाइम के बाद में आप जब हाईवे पे निकलोगे तो आधे घंटे बाद ये बोलना पड़ता है कि इसे थोड़ा कम कर लो इसी को। ओके, ताकि वो ज्यादा कूलिंग रहता हो। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने एसी परफॉर्मेंस को लेकर, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा इसमें जो कौन कौन से फीचर्स होंगे जो आपको लगे होंगे कि हाँ वो बहुत अच्छे लगे आपको फीचर्स? सेफ्टी वाइज तो कोई इशू नहीं है बलेरो में, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने चेंजेस किया हुआ है, तो भी पुराने बलेरो और नए बलेरो को ऐसे भी देख लो आप, और दोनों में आपको परफॉर्मेंस को, सिक्योरिटी को और सेफ्टी को लेकर कोई इशू नहीं है, तो इसकी सेफ्टी और इसके फीचर्स कौन से हैं जो आपको पसंद आए हैं उसके अंदर? देखिए पुरानी बलेरो और इसके अंदर मैं मानता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी तो खैर उस पर कोई सवाल या निशान है ही नहीं, बात आती है क्या फ़र्क हो गया है इसको एक जो आजकल की गाड़ियां आ रही हैं, ब्रेजा हो गई, क्रेटा हो गई, उसके कंपैरिजन में उसी इंजन को ट्यून्ड करके डाला गया है। ठीक है, और इसमें ABS आ गया, EBD आ गया, एयरबैग्स आ गए। तो एयरबैग्स का बात करें तो इसमें फ्रंट में ही है, दोनों साइड है। हाँ, इसमें डुअल आते हैं, आपके 2 एयरबैग आते हैं आगे, पीछे एयरबैग नहीं आते। ठीक है, तो ये तो फीचर्स हैं जो आपको पसंद आया इसके अंदर सारे के सारे। ठीक है, 8,000 किलोमीटर के आसपास रन कर लिया आपने, तो आपको परफॉर्मेंस भी पता है कैसी है गाड़ी कैसी नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इसके कोई नेगेटिव फीचर या ऐसा कोई फीचर जो आपको लगता हो मिसिंग हो इसमें? नहीं, अभी तक मेरे को इसमें कुछ नेगेटिव लगा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से इसको पुराने स्कॉर्पियो के चेसी पे बनाया है, आप वो उसका एक जीप वाला ही फील है, यू कैन नॉट यू नो, आप उसमें वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इसका एक रगेड नेचर है, तो रगेड नेचर ही आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप इसको सोचो कि ब्रेजा और क्रेटा से आप कंपेयर कर लो, वो फिजिबल नहीं है। देखिए इसमें इंजन नॉइस भी आएगी, ठीक है ना, बिल्कुल स्मूथ इंजन में नहीं होगा। करेक्ट है, ठीक है, बट हाँ कैबिन के अंदर मेरे को उसका कुछ फील नहीं होता। मैं इससे उत्तराखंड के काफी ट्रिप कर चुका हूँ, ठीक है, जयपुर से उत्तराखंड मेरे को एक साइड करीबन 700-800 किलोमीटर पड़ जाता है, बट कहीं भी थकान नहीं होती हमको। ठीक है, मैं आप अगर मुझसे पूछे कि मैं इसको कितने घंटे ड्राइव कर सकता हूँ, तो मैं लगातार इसको 15 से 20 घंटे ड्राइव कर सकता हूँ, मुझे थकान नहीं होगी।
ठीक है, तो ड्राइव कंफर्ट भी आपको, ड्राइविंग कंफर्ट बहुत अच्छा है। और मैंने इस गाड़ी को जिससे स्विच करा है वो इससे पहले मेरे पास अमेज थी जो अभी नई वाली आ रही है, उसको मैंने 3 साल चलाया। अब आप देखिए मैंने 3 साल में वो गाड़ी बेच दी, क्योंकि उसमें पेट्रोल थी और एवरेज नहीं था, नहीं था करेक्ट। दूसरा ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम था, मैं टूरर हूँ, बहुत टूरिंग करता हूँ, हर दूसरे महीने में मेरे को बाहर जाना पड़ता है घूमने फिरने, तो वहाँ पे फिर गाड़ी नीचे अड़ती है। करेक्ट है, किस तरीके वहाँ पे ब्रेकर्स आ रहे हैं, किस तरीके वहाँ पे इनफैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा उससे पहले भी मेरे पास में i20 थी, वो भी मैंने 1.5 साल चला के 16,000 किलोमीटर से मैंने गाड़ी सेल आउट कर दी थी, क्योंकि उसमें भी एवरेज की कमी थी, यही सोचते हुए हाँ मैंने डीजल गाड़ी लेने का यही कारण है। मेनली की भी ठीक है, एवरेज अच्छा आना चाहिए, प्लस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, फैमिली सेफ्टी, फैमिली सेफ्टी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ कि जो भी क्रैश टेस्ट हैं और जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हाईवे पे, आप MG हेक्टर ले लीजिए, ब्रेजा ले लीजिए, करेक्ट है, तो इनकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल खत्म है। जब ये ट्रक से या किसी कोई भी एक्सीडेंट गाड़ी पलट जाती है हाईवे पे, आप देखेंगे गाड़ियां खत्म हो जाती है, करेक्ट है। इसके जितने मैंने एक्सीडेंट्स देखे उसमें केबिन में कोई इंपैक्ट नहीं आया, वो फ्रंट पे ही उसको कवर कर लेता है, उसको फ्रंट में कवर कर लेता है, इंजन तक डैमेज हो सकता है बट आप अंदर सेफ हो, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, बिल्ड क्वालिटी आ जाती है, करेक्ट है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि गेट थोड़ा अच्छे से ठग आ रहा है उसके अंदर, गेट बज रहा है तो बिल्ड क्वालिटी होगी, वो चीज नहीं होती है, आपके पिलर्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, छत पर डिपेंड करता है, बॉडी किस तरह की है, क्योंकि इंटीरियर तो आपको बड़ी बात है, इंटीरियर तो कोई भी आपको अच्छा भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड मेनली सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अगर सेफ्टी ही नहीं, मेरी भी प्रायोरिटी ये होती है, हमेशा अगर गाड़ी में लेता हूँ कोई, अगर देखता हूँ गाड़ी में कोई रिव्यू करता हूँ जी, तो मेरा ये होता है आपको जो आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए गाड़ी परचेज करने के लिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सेफ्टी होनी चाहिए, देन आप फीचर्स पे आ सकते हैं धीरे धीरे वन बाय वन। देखिए कई लोग कहते हैं कि इसके अंदर सनरूफ नहीं है, अब सनरूफ तो फॉर्च्यूनर भी नहीं देता, नहीं देता, तो सनरूफ और ये फीचर्स देख के गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें फैमिली रन कर रहे हो, अपनी पूरी फैमिली रन कर रहे हो आप, अगर आपको बिल्कुल, अगर मेरे को सिटी में गाड़ी चलानी होती तो मेरी सेकंड चॉइस वरना थी, मैं वही लेने गया था, बट वही है, बट मेरे को हाईवे पे निकलना होता है, बारिश में आप देखते हैं कि कई जगह पे हाईवेज पे गड्ढे ज्यादा हो जाते हैं, तब आप सिडान लेके पहुंच तो जाएंगे बट वो 100 मीटर 200 मीटर का जो पैच होता है ना, तब आप खड़े हो जाते हैं सोच के कि मैं इसमें गाड़ी डालू या नहीं डालू, करेक्ट करेक्ट, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ग्राउंड क्लीयरेंस काफी आई है और वैसे भी गाड़ी तो थोड़ा, सेकंडली सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताना भूल गया, ये रियल व्हील ड्राइव है, तो रियल व्हील ड्राइव के अंदर जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो एक पुश आपको मिल जाता है, गाड़ी कहीं पे भी अटकेगी नहीं, मिट्टी में कहीं पे अटकेगी नहीं। फ्रंट व्हील ड्राइव में चांसेस होते हैं कि आपका टायर पहले वाला अगर फंस गया तो पीछे रह जाएगा, तो फिर पीछे वाला रह जाएगा, पावर जनरेट नहीं कर पाएगी, पावर जनरेट नहीं कर पाएगा, करेक्ट है करेक्ट है। आई थिंक ये चीजें हैं, आई थिंक सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी गाड़ी में अगर आप लेते हैं तो, ठीक है। अच्छा, आपने इसको करीब रन भी करें 4 महीने से, आपने इसकी सर्विस भी करवाई होगी, तो बात करते हैं सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। देखिए सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस टू बी वेरी फ्रैंक डिपेंड, एक तो सिटी टू सिटी मैटर कर जाता है कि आपका सर्विस स्टेशन कहाँ का है। यही गाड़ी मैंने दिल्ली में उठाई होती तो सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता, क्योंकि दिल्ली अर्बन शहर है तो सिटी में बीच में आपको रूरल गाड़ियाँ वहाँ पे आएंगी नहीं, जनरली स्कॉर्पियो XUV 700 और बलेरो नियो ही आएंगी सर्विसेज के लिए, XUV 300 हो गई जैसे। बट जब आप जयपुर में बात करते हैं तो इस तरफ बलेरो पुरानी वाली जो हो गई, पिकअप्स हो गई, ये गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, तो उनके लिए तो बिजनेस है, कस्टमर जो आ रहा है तो वो इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वो भी रूरल का ज्यादा है, तो ये एक डिसएडवांटेज इसके साथ में जुड़ा हुआ है जो मैं कहूंगा। ठीक है ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो फॉर फोक्सवैगन कार्स, स्कोडा कार्स, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें, क्योंकि सारा कस्टमर जो इनका जेंट्री है प्रीमियम है, प्रीमियम क्लास है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट इसके साथ में इनकी गाड़ियों की रेंज इतनी ज्यादा है कि उसी सर्विस सेंटर में ट्रैक्टर भी सर्विस होना है और ये गाड़ियाँ भी सर्विस होनी है, सेम सर्विस सेंटर है सबके लिए, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे भागना पड़ता है, चीजें मैनेज करनी पड़ती है, अदरवाइज वहाँ डिले हो जाएगा आपको। बिल्कुल ठीक है, तो ये थोड़ा सा है इसमें। ठीक है, बात करते हैं कि आपकी एक सर्विस कॉस्ट क्या रहती होगी, इसकी स्टैंडर्ड सर्विस कॉस्ट कितनी, नॉर्मल मैंने नॉमिनल है सर, नॉमिनल चार्जेस है, नॉमिनल चार्जेस नहीं है, नहीं नहीं कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा मेरे को कि इसकी सर्विस चार्जेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनको गाड़ियाँ बेचनी है। ठीक है करेक्ट, आप ये देखिए ना कि इन्होंने जिस रेंज में रियल व्हील ड्राइव दे रखी है, आप दूसरी कंपनी कोई सी भी ले लीजिए, रियल व्हील ड्राइव आपको इस रेंज में कोई गाड़ी नहीं देगी, इनोवा रियल व्हील ड्राइव आती है उसका स्टार्टिंग ही 20 लाख से शुरू होता है। करेक्ट है, तो ये अब बात करते हैं, ओवरऑल आपको मिल गई थी ये, टाइम भी ज्यादा नहीं लगा आपको, तो कितने की पड़ी आपको ये कम्प्लीट गाड़ी,
ये गाड़ी मेरे को 12.5 की पड़ी है। 12.5 की है। उसके अलावा आप जो अपने भी जितना भी पार्ट्स या एक्सेसरीज आपने बाहर से फिटिंग करवाई वो कुछ अलग है? वो कुछ अलग। तो उसका क्या, जैसे अभी आपने ये फ्रंट में अगर बात करें, ये जो मैंने लगवाया था ये 15,000 का बैठा था, उसके बाद में सीट कवर्स मेरे को 12,500 के हुए थे, तो मोटा मोटी अलॉय व्हील वगैरह 50,000 प्लस, तो ये 13 प्लस बैठ गई है मेरे को। ठीक है, लेकिन आपको उसमें सेफ्टी भी मिल गई है, प्लस आपको जो चाहिए था उसमें वो कम्प्लीट चीजें मिल गई है, आपके ऑफ रोडिंग का वर्क मेन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप उत्तराखंड वगैरह रन करते हैं, आपको बोल रहे हैं आप थोड़ा ट्रैवल एंथुसियास्ट हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस गाड़ी को लेके आपको वहाँ पे, या कभी कुछ प्रॉब्लम आई हो आपको, या फिर कुछ लगा हो आपको नहीं आ, ऐसा कुछ? जब आप एक गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो गाड़ी की हैंडलिंग ठीक है, और मतलब बेसिकली तो हैंडलिंग होती है, और आपको खुद महसूस हो जाता है कि मैं इसमें सेफ महसूस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप उत्तराखंड जाते हैं तो टर्निंग कॉर्नर्स होते हैं बहुत ज्यादा है, करेक्ट है। फिर उस पर आप कितनी स्पीड मेंटेन रख पाते हो वो कॉन्फिडेंस ड्राइवर को आने लग जाता है गाड़ी पे, ठीक है। आप हो सकता है कुछ ड्राइवर्स ऐसे भी होते हैं जो कि ऑल्टो जैसी गाड़ी पे भी मतलब कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, बट इसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि मेनली वो होता है कि उस क्योंकि वहाँ पे कई बार रास्ते खराब भी मिलते हैं आपको, जो नहीं हमेशा अच्छे मिलेंगे, कभी खराब भी मिलते हैं रास्ते, कोई लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड हो जाते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम्स होती हैं। सो टाइम पे जब ऑफ रोडिंग वगैरह जाना पड़ता है आपको, तो कैसे परफॉर्मेंस रहती है? क्योंकि देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अभी पिछले साल जून में मैं खिरसू गया था उत्तराखंड में, तो अब जून में बारिश का टाइम था, जून जुलाई में, तो लैंडस्लाइड्स बहुत थे। ओके। मेरे फैमिली में 3 लोग और थे, उनको मेरे को उतारना पड़ा कि अभी उतर जाओ ताकि गाड़ी गड्ढों के अंदर नीचे कहीं पे अड़े नहीं, करेक्ट है, क्योंकि ये हो रहा था हमारे साथ। इसमें अगर आप 7 जने भी बैठे हैं या 5 जने भी बैठे हैं, आपको किसी को उतारने की जरूरत नहीं है, नहीं है। आपकी गाड़ी अगर किसी गड्ढे में चले भी जाती है तो इतने स्टिफ इसके सस्पेंशन है कि वो गाड़ी को एकदम नीचे नहीं लेके आएंगे, ये चीज़ तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है इसमें, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये एकदम इंपॉर्टेंट भी है चीज़ है, क्योंकि आप ऑफ रोडिंग जब करते हैं और हो जाती है हमारे पे कि हाईवेज इतने अच्छे नहीं है कई जगह पर। देखिए मेरे साथ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हल्द्वानी में बहुत जाम था, लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे आप ये देख रहे हैं ऐसा एक क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो कोई वहाँ से हिम्मत नहीं कर रहा था गाड़ी निकालने की, बट मेरे को गाड़ी पे कॉन्फिडेंस था, उस एक आधा एक किलोमीटर का जो मैंने रास्ता वो कवर करा है उसमें मेरे कम से कम आधे से पौना घंटा बच गया, अदरवाइज मैं ट्रैफिक में अटका रहा था, क्योंकि गाड़ी की कैपेबिलिटी थी वहां से निकलने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो डिपेंड करता है मेन तो ये गाड़ी कैसी है। ऐसे चीजों में जब हम फंसते हैं डेली लाइफ में, तब मालूम पड़ता है कि आपका गाड़ी खरीदने का डिसीजन सही है या गलत है। सही है गलत है, करेक्ट। इसी में अगर आप मान लीजिए अमेज होती आपके पास में वरना होती तो आप नहीं निकाल पाते। देखिए मैं भी वरना की तरफ फंस रहा था, ये एक इंसानी फितरत है कि जब हम पैसा लगाते हैं तो हम, मैंने देखा है कि हम अपने लिए गाड़ी नहीं ले रहे होते हैं, हम दूसरों के लिए गाड़ी ले रहे होते हैं कि हमारे पास में क्या है, करेक्ट है करेक्ट है, ठीक है। फिर हमें फीचर्स भी चाहिए होते हैं, तो वही चीजें मैं जो गलती पिछले 7-8-10 सालों में कर चुका हूँ वो गलतियां हटा करके मैंने डिसीजन लिया, ठीक है कि भाई ठीक है मुझे ऐसी चीज हो, फिर ऑफ रोडिंग भी हो सके, एवरेज भी अच्छा हो, प्लस सेफ्टी भी हो, और लोग आके पूछते भी हैं, ऐसा नहीं है लोग आके पूछते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ कॉमन व्हीकल, करेक्ट। लोग आके पूछते हैं कितने की पड़ी क्या है, एक मैं खुद जब रोड पे निकलता हूँ तो इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, करेक्ट। और मेनली अब तो खैर इन्होंने काफी पहले बोलेरो अगर देखेंगे तो स्लिम सिंपल डिजाइन था, एकदम नॉर्मल लुक्स थे इसके, अब तो लुक्स भी काफी इन्होंने चेंज किए हैं इसके, और काफी अच्छी भी दिखती है गाड़ी, अगर नो डाउट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बेकार लग रही हो या कुछ नॉर्मल लग रही हो, कि सेफ्टी वाइज इन्होंने इम्प्रूव किया है, तो इन्होंने आपके फीचर्स वगैरह या लुक्स है इसका वो भी इम्प्रूव किया है, और वो बेस्ट चीज़ है इसके लिए। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट, क्या बेस्ट चीज़ आपको क्या लगती है इस गाड़ी के अंदर? बेस्ट चीज़ देखिए ऐसे तो बताना मुश्किल है क्या लगती है, बट ऑल आई लाइक इज द रफनेस एंड रगेडनेस ऑफ दिस व्हीकल, दिस व्हीकल wherever you want you can go with this, yes, so off-roading, on-roading, मतलब किसी भी टाइप की रोड्स हो, किसी भी टाइप की रास्ता हो आपका, आप इजीली जा सकते हैं। ये कहावत है ना कि सेडान और जो सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां हैं SUVs हैं उसके लिए बोलते हैं कि यू कैन रन फास्टर बट आई कैन गो एनीवेयर, तो आई कैन गो एनीवेयर वो इस गाड़ी के लिए आ जाए। मेरे को कभी कभी जॉब की वजह से मेरे को शिफ्टिंग करनी पड़ती है, ट्रांसफर करना पड़ता है एक सिटी से दूसरी जगह में, तब अमेज में और I-20 में बड़ी दिक्कतें आई, सामान नहीं आ पा रहा था गाड़ी के अंदर, करेक्ट। अब एटलीस्ट ये मेरे डेली लिविंग में भी काम आ रही है गाड़ी, कभी मुझे कुछ सामान भी लाना है, बड़ा सामान लाना है, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। ये था हमारा एक वीडियो जिसमें हमने बात की आज बोलेरो नियो के लिए,
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आएगा। एंड थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अपना वैल्यूबल फीडबैक दिया ताकि लोगों को पसंद भी आएगा ये कि लोगों को पता चलेगा कि ठीक है बॉलर नियो में कितनी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है इसके साथ साथ क्या क्या पॉजिटिव्स है इसके वो भी लोगों को पता चलेंगे। तो ये था दोस्तों एक वीडियो, उम्मीद करता है आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करता है आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।